Dovete. वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इफेक्टिव सा होम रेमेडी, जिससे कि अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या मेलाज्मा है, या ब्लेमिशेस है, या किसी भी किस्म के लाल काले नीले पीले धब्बे हैं चेहरे पे, तो उससे आप निजात पा सकते हो। इसके साथ साथ जिनको भी एक्ने प्रॉन स्किन है, एक्ने होते रहते, तो एक्ने के जाने के बाद उसके जो लेफ्टओवर मार्क्स रह जाते, उसके लिए भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। आप ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है, इसको आप सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रॉन स्किन में भी बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी स्किन के लिए तो कोई कहने की बात है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक स्किन यही दो स्किन टाइप होते हैं, क्योंकि एक सेंसिटिव स्किन और एक एक्ने प्रॉन स्किन। तो ये हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा, हर एक एज ग्रुप को सूट करेगा, तो किसी को भी सोचने की जरूरत है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड और मैं क्या आपको सजेस्ट करती हूँ कैसे इसको प्रिपेयर करना है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जा सके मैं जब जब इतने इफेक्टिव वीडियोस आपके लिए, यू नो, भूल गई तो मैं जब जब एपिसोड अपलोड करूं ताकि आपको पता चल सके। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उधर मेरी डेली लाइफ की डिटेलिंग जाती रहती है। तो चलिए और डिले ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो कि है स्टेमियो ब्रांड का प्योर एलोवेरा जेल फॉर स्किन एंड हेयर, यानी कि यह मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है, जिसको कि आप अपने बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने स्किन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो खास बात मुझे लगी वो है कि इसके अंदर कोई भी एडेड कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। मार्केट का ज्यादातर एलोवेरा जेल है ना, उसमें बहुत ज्यादा कलर एडेड होते हैं, फ्रेग्रेंस एडेड होते हैं, और इस एलोवेरा जेल के अंदर कोई भी आपको हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये एक प्योर एलोवेरा जेल है। तो अगर आप एक सर्च कर रहे हो कि आपको एक प्योर एलोवेरा जेल चाहिए जो कि मल्टीपर्पज हो, जिसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए आप इस ब्रांड को कंसिडर कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। इसकी जो पैकेजिंग है, ये 200 ml का पैकेजिंग है और इधर प्राइस टैग किया गया है 347 का, पर Amazon पे अभी ये 260 रुपए में मिलेगा। तो उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना कि एलोवेरा जेल को अप्लाई करने से पहले आप एक बार अपने स्किन पे इसका पैच टेस्ट कर ले। तो चलिए अब इस एंटी पिगमेंटेशन फेस पैक को प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने आधा कप लगभग पानी लिया है, हमने इसको गैस में बैठाया है और इसके अंदर हमने आधा या एक चम्मच आपको अलसी के दाने यानी कि फ्लैक्स के आपको डालने हैं। अब इसको आपको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे से चिपक जाता है। जो अलसी यानी कि जो फ्लैक्स सीड होते हैं, ये हमारे पिगमेंटेशन को क्योर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपके स्किन में दाग धब्बे या रिंकल्स का पड़जाना शुरू हो चुका है, तो आप अलसी के दानों से यानी कि फ्लैक्स सीड से उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हो। तो इसको आपको तब तक, यू नो, इसको आपको हिलाते रहना है जब तक कि ये इसका थोड़ा ये घना ना हो जाए। थोड़ी देर में देखोगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी जेल फॉर्म में आ चुकी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो इस स्टेज में हमें इसको बंद कर देना है। इसके लिए आपको 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं। तो इस स्टेज पर आ जाए तो आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए आपको छोड़ देना है, क्योंकि बिल्कुल ठंडा होगा तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकेंगे। तो जब ये बिल्कुल भी ठंडा हो जाए तो हमें इसको एक सूती के कपड़े या मलमल के कपड़े से इसको छान लेना है। आप चाहो तो एज इट इज़ भी ले सकते हो, क्योंकि इसको छानना भी एक, यू नो, मुश्किल का ही काम होता है, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से नहीं निकलता। तो मेरा इतना जेल बहुत मुश्किल से निकला है। आप चाहो तो साबुत वो सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसको प्रिपेयर किया, जो हमने, यू नो, फ्लैक्स सीड का जो हमने जेल प्रिपेयर किया, इसके अंदर आपको एक चीज़ ऐड करनी है, जो कि मार्केट का रेडीमेड कॉफ़ी आता है, उसका आपका 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच लगभग कॉफ़ी का ले लेती हूँ, कॉफ़ी पाउडर का। तो अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तब ये देख सकते हो ये बहुत एक रनी सा पेस्ट बन चुका है, तो मैं उस तरीके से दिखा नहीं पा रही हूँ। तब इसको आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट तक वेट करने हैं, यानी कि 15 मिनट बाद आप इसको सिंपल पानी से धो दोगे, और 15 मिनट बाद मैं इसको वॉश करके फिर आपसे दोबारा आके मिलती हूँ, तब बताती हूँ कि आगे आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। वेलकम बैक। तो 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया सिर्फ पानी से। तो इसको, यू नो, उतारने के बाद आपका जो भी नॉर्मल स्किन के रूटीन है, टोनर, मॉइस्चराइजर या सेरम वगैरह, जो भी आपको अप्लाई करना है
उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बात आती है कि आप इसको हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करोगे, इसको आप हफ्ते में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये इतना माइल्ड है। पर आई गेस कि आपको बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी होती है, तो हफ्ते में आप इसको 3 से लेकर 4 दिन भी कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो गाइज ये था आज का पूरा एपिसोड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो। और चलिए और कोई बात है नहीं, फिर मिलेंगे इस नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो और फॉलो कर सकते हो। और पता नहीं मैं इतना गलती क्यों कर रही हूँ, खा रहे हैं, मैं पैरासिटामोल लेके बैठी हूँ, यही रीजन है।